हेलो स्टूडेंट्स गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू सो आई एम गोइंग टू डिस्कस सम ऑफ द प्रॉब्लम्स रिलेटेड टू दिस मास इज अटैच विद सम पुलिस सो इन दिस सीरीज दिस इज द फर्स्ट प्रॉब्लम देयर सो वी हैव टू केसेस देयर वी हैव टू कैलकुलेट द एसोलेन ऑफ द सिस्टम द सरफेसेस आर फ्रिक्शनलेस स्ट्रिंग्स आर मासलेस पुलिस आर आल्सो फ्रिक्शनलेस सो हियर वी जस्ट स्टार्ट विद द फर्स्ट क्वेश्चन देयर सो सबसे पहले आप सॉल्व करेंगे

तो और अगर आप पहले मास को देखोगे तो इसको आगे ले जाने वाला सिर्फ टेंशन है सो टेंशन इज इक्वल टू मास एम वन और मास एम वन की एसोलेशन भी ए रहेगी तो आप टी को ऊपर भरेंगे आपके पास आंसर बनेगा एम टू जी माइनस टेंशन की जगह एम वन ए इज इक्वल टू एम टू ए तो यहाँ से एम टू जी इधर रह जाएगा एम वन उधर जाके प्लस का होगा ए को आप कॉमन ले सकते हो इट इज़ एम वन प्लस एम टू देन यहाँ से एसर्लेशन की वैल्यू आ जाएगी एम टू जी अपॉन एम वन प्लस एम टू इस तरह से आप केस वन को सॉल्व करोगे सिंपली देन आते हैं दूसरे केस की तरफ दूसरे केस में लाइक दिस इज़ टू एम लेट सपोज सिस्टम इज गोइंग लाइक दैट एंड टू एम का जो वेट है वो नीचे लगेगा दैट इज ऑब्वियसली टू एम जी और टेंशन लगेगी इस तरह से टू एम के रिस्पेक्ट में सो so, अगर हम टू एम को देखते हैं टू एम की इक्वेशन लिखते हैं तो टू एम जी माइनस टेंशन इज इक्वल टू इसका मास टू एम है तो मास की जगह टू एम लिखना है और एक्सोलेशन मान लेते हैं सिस्टम का स्मॉल ए है सो so ये बन जाती है अपने टू एम की इक्वेशन अब इस एम को ऊपर ले जाने वाला अगर एम ऊपर जाता है तो ऑब्वियसली टेंशन की वजह से ऊपर जाएगा तो हम पहले इस एम की फोर्सिस को रिजॉल्व कर लेते हैं एम का जो वेट है यानी कि एम जी नीचे लग रहा है एंड दिस एंगल इज ऑल्सो थीटा सो दिस इज बेसिकली वेट का जो कंपोनेंट रहेगा ये रहेगा एम जी थीटा कंपोनेंट, थीटा के साथ वाला कॉस थीटा और जो परपेंडिकुलर कंपोनेंट है वो बन जाएगा एम जी साइन थीटा इस तरह से आप इस एम जी को रिजॉल्व करेंगे theta, रखा है एट एन एंगल हॉरिजॉन्टल। सो अभी टेंशन इसे ऊपर ले जाएगा लेकिन जो नीचे की तरफ फोर्स लग रही है अलॉन्ग द इक्लाइन इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन वो है एम जी साइन थीटा सोपोज करने वाली है एम जी साइन थीटा और सिस्टम अगर ऊपर जाता है तो ऊपर ले जाने वाली है टेंशन सो स्मॉल एम की जो इक्वेशन बनेगी वो ये बन जाएगी टी माइनस एम जी साइन थीटा इज इक्वल टू एम और उसकी एसोलेशन भी स्मोले है तो यहाँ से हम स्टूडेंट्स टी को उठाएंगे और ऊपर वाले एक्सप्रेशन में भर देंगे तो टी का जो वैल्यू आता है अपने पास वो आता है एम ए प्लस एम जी साइन थीटा इसको यूज करेंगे इक्वेशन वन में तो इक्वेशन वन कुछ इस तरह से लिखी जाएगी टू एम जी माइनस टी की जगह आएगा एम ए माइनस एम जी साइन थीटा आप यहाँ टी की जगह पुट करोगे इसे सो ये है एम ए तो यहाँ माइनस साइन लगेगा ए भी माइनस प्लस माइनस हो जाएगा इज इक्वल टू टू एम एम ए उधर जाके प्लस का थ्री हो जाएगा सो इट इज़ टू एम जी माइनस एम जी साइन थीटा इज इक्वल टू थ्री एम ए यहाँ से आप एसोलेशन uh, को कैलकुलेट कर सकते हो एम जो है सभी के पास है कट जाएगा एक्सप्रेशन से जी कॉमन आ जाएगा सो so आंसर बनेगा जी इंटू टू माइनस साइन थीटा अपॉन थ्री इज इक्वल टू ए सो एसोलेशन का आंसर आ रहा है जी ब्रैकेट टू माइनस साइन थीटा अपॉन थ्री सो इस तरह से आप एसोलेशन निकाल लोगे फॉर द सेकेंड सिस्टम थैंक यू